से कोसी नदी, के से कमला नदी, ई से उनकी माँ गंगा माँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, बजरंगबली की जय, अन्योन है सहयो एंड वेलकम इन माय वर्ल्ड, जो कि बहुत ठंडा हो रखा है और यहाँ बहुत सारे 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, मौसम बहुत ज़्यादा शीतलहरी का चल रहा है और सुबह 5 से 6 के बीच उठना यानी कि अपनी सेहत को ख़राब होने का न्योता देना है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन शुरू तो करना ही होगा। और आज मैं दिन की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी भूगोल के साथ, और उसमें भी कि आजकल इतना सारा ठंड क्यों, इसी मंथ दिसंबर जनवरी में इतना ज़्यादा शीतलहरी वाली ठंड क्यों लगती है, तो उसके बारे में मैं कल पूरी अच्छी तरह से दिमाग में बैठा ली थी, बिना कॉपी पेन का सिर्फ सुन रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर, मैप याद हो जाने पर, इसके आसपास के क्वेश्चन को हम रिलेट कर पाते हैं। और BCS बिहार CGL ठंड में जवान भी लड़खड़ा रहा है, बिहार CGL की तैयारी करनी है तो BPSC लेवल का हमको कोर्स को कवर करना होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सबसे अच्छा जियोग्राफी का है कि मैपिंग के द्वारा करें, तो यहाँ पर मैपिंग से ये भी पता चल जाएगा कि रियल लाइफ में शीतलहरी और गर्मी सूखा क्यों पड़ता है, और साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्ज़ाम भी क्लियर करने में आसान होगा। तो हुआ ना एक बार में 2 फ़ायदा, और ठंड में हाथ छोड़ करके बाकी बॉडी गर्म रखना ज़रूरी है, क्योंकि लिखते लिखते हाथ जो है एकदम सुन्न पड़ रहा था, और यहाँ पर मैं बीच में कुछ वहाँ पर नोट डाउन करने वाली चीज़ें भूल गई थी, क्योंकि एक दिन पहले, मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ अब से करूँगी, कॉन्सेप्ट अच्छा है कि एक दिन पढ़ लेते हैं और अगला दिन उसको कॉपी पर नोट डाउन करें। और ये ट्रिक आजमाने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन समय ज़्यादा लगने से फ़ायदा तो ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ माइंड में बैठ रहा है, और उसको एक दिन के बाद अगर ड्रॉ करेंगे, जो भी नोट डाउन करेंगे चीज़ों को, खास करके मैं जियोग्राफी के बारे में बोल रही हूँ और हिस्ट्री के बारे में, तो चीज़ें माइंड में बैठ जाएगी और फॉरएवर याद रखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने एक नायाब तरीका निकाला है और मैं इस पर ट्रायल मोड चल रहा है, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ। तो चलिए तब तक मैपिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम BPSC CGL जहाँ पर भी इसका क्वेश्चन आए, आज के बाद दिक्कत ना हो, ऐसा ही प्रिपरेशन हमेशा करते रहना चाहिए कि दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट मैपिंग फॉर रियल लाइफ एंड फॉर एग्जाम। यथार्थ सत्य है कि अगर कोई भी चीज़ याद करनी हो तो पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, माइंड में बिठा लेना चाहिए, उसके बाद उसे वैसे लोग के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए जो कि आपको वो चीज़ें याद करने में हेल्प करे। और मैं यहाँ पर यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से याद करूँ, क्योंकि ये सब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, पता नहीं 9-10 में मैं क्या पढ़ी थी। तो चलिए, हाय गाइस, मैं मुझे सिखाई थी कि इंडिया और बिहार का नक्शा बनाने, तो आज मैं बना के दिखाऊंगी। और साथ ही साथ पीहू को बताया गया था कि बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है, तो पहले पीहू बताएगी कौन कौन से नदी बहती है। देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, पीहू सामने देख के बोलो, नहीं तो सबको लगेगा चोरी कर गई। महानंदा, के से कोसी, मतलब एम से महानंदा नदी, के से कोसी नदी, के से कमला नदी, बी से बागमती नदी, बी जी से बूढ़ी गंडक नदी, जी से जवान गंडक नदी, जी से घाघरा, जी से उनकी माँ गंगा माँ। थैंक यू पीहू, बहुत अच्छा बताई। अभी पीहू इसको ड्रॉ करके दिखाएगी। इधर पर पेजी, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो
आप पीहू के द्वारा बिहार की नदियों के बारे में सुनकर हो सकता है आपको भी याद हो जाए। तो चलिए अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और कुछ फनी चीज करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे लेकिन हंसाते बड़े अच्छे हैं। देखिए गाइस, ये है गोलू और ये है संध्या, जो लिखी है कुछ अटपटा सा स्कूल की ठंडी की छुट्टी। तो आप लोग खुद पढ़ करके, ओ सीधा बच्चा। चलिए गाइस, आप लोग कष्ट क्यों करेंगे, हम ही कष्ट करते हैं इस ठंडी में। मैं दिन के हूँ, साथ बने उठती हूँ, मैं उठ के दांत साफ कराती हूँ, फिर नशात करती हूँ, गलत मत समझिएगा दोस्तों, फिर पढ़ाती है, नहाती हूँ, फिर खोलाती हूँ, फिर अके सोती हूँ, फिर 4 बजे फिर मॉम जाती खोलाते हैं, अके पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर सेपते हैं। इस कहानी से ये पता चलता है कि ये बालिका खाती है और खेलती है, ये एक बिल्कुल सही लिखी है। देखिए अभी भी खाने के ख्यालों में खोई हुई है, क्योंकि सो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा दिन। और शाम को मैं गई थी मॉल, तो वहाँ पर कुछ किड्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉयज, सॉफ्ट टॉयज है जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के खिलौने देखने से मूड भी फ्रेश हो जाता है। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलती हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।